सर फिल्म में उसे एसोसिएट किया और ये फिल्म मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरी फर्स्ट फिल्म है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इनका है, नलिन जी का, और हमारी मित्र हैं गौरी जी इनका, बाकी सारे मेरे दोस्त जी का, हमारे दोस्त हैं नफी खान जी इनका सपोर्ट है, सुजात साहब का बड़े भाई हैं मेरे, ऑलरेडी प्रोड्यूसर हैं वो और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं। तो ये फिल्म बनाने का ये है कि स्टैंड हम लोग हो रहे हैं और बाकी इसमें स्टोरी एक लड़की का है जो बिहार से लेके कनाडा तक वो जर्नी तय करती है। बाकी डिटेल्स आप लोग को मैं जब फिल्म होगा स्टार्ट पूरा चित्र देंगे। थैंक यू सो मच। जो नाम टाइटल है उसके बारे में वेरिफिकेशन आपसे जानना चाहेंगे कि नाम है गोल्डन क्वीन जी, ग्लैमर क्वीन, ग्लैमर क्वीन जी, और यहाँ पे शंकर जी और पार्वती जी नजर आ रहे हैं, क्या फिल्माया जा रहा है, क्या है ये ट्विस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जी, फिल्म के बारे में ये बाकी ये बताते हैं जी। मैडम अपना अपना परिचय दें और अपने लुक के बारे में बताएं आज के लुक, और ये जो शॉर्ट सीन यहाँ पिक्चराइजेशन हो रहा है उसके बारे में ग्लैमर क्वीन को मद्देनजर रखते हुए बताइए जी। हाय, मेरा नाम गौरी वानखेड़े है और मैं जस्ट इस मूवी में एज ए लीड कर रही हूँ और हमारे शिवजी बने हुए हैं रवि जी, वो भी कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि ग्लैमर क्वीन सब्जेक्ट, बिल्कुल नाम अलग लग रहा है, यहाँ पे शिवजी और पार्वती दिखाई दे रहे हैं राइट, तो इसका मैं आंसर देना चाहती हूँ क्योंकि ये स्टोरी एक गर्ल्स के ऊपर है, उसकी पूरी जर्नी है दिखाई हुई और उसमें ऐसे कुछ स्टैंजर्स होते हैं कि उसको एज अ मतलब गॉड का सहारा लेना पड़ता है सम उस टाइम पे। मैं और हमारे शिवजी की एंट्री है और उस मूवी में काफ़ी मज़ेदार मूवी है, ये इंटरेस्टिंग मूवी है और नाम जैसे आपने देखा है ना, नाम आपको ग्लैमर, तो आपको ग्लैमर दिखाई देगा फुलटूस इसमें और बस आपको पूरा मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा, काफ़ी सस्पेंस है इसमें क्योंकि यहाँ पे हाँ मायने क्या है, बिल्कुल दिखने में आपको लग रहा है शिवजी पार्वती लेकिन जैसे ग्लैमर आप एक बार देख लीजिए, हम उसको ना मतलब नहीं बताना चाहते फिलहाल क्योंकि बहुत ही अलग सस्पेंस है और काफी अच्छे से, मतलब अभी तक तो इंडस्ट्री में ऐसी स्टोरी नहीं आई है, तो थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वेट कीजिए और आपको डायरेक्टर सर पे भरोसा करना चाहिए, अच्छे से कर देंगे। शिव जी बताएं कितना पार्वती जी से आप सहमत हैं इन बातों से? मैं तो 100% पार्वती जी का साथ हूँ क्योंकि शिव जी आ जा ही नहीं सकते पार्वती के आगे तो शिव जी का जो पार्वती जी का जो वर्ड्स है वो सारी चीजें सही है और मैं सहमत हूँ। अच्छा, किस प्रकार का किरदार है, कितना चैलेंजिंग किरदार है ये शिव जी का जो रूप आपने धारण किया हुआ है? ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, इसमें तीन पूरा मूवी में तीन रूप में हैं और बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग पिक्चराइज करने के बाद आपको जैसे ये फाइनल स्टेज पे आएंगे तो आपको इसका ओरिजिनल पिक्चराइजिंग पता लगेगा। मैडम जब अरुण राव जी ने आपको कहानी सुनाई थी कि हाँ ग्लैमर क्वीन और आपको बनना है पार्वती, मतलब आप भी चौंके होंगे, शॉकिंग होंगे, पार्वती मुझे लगा कोई मस्त सेक्सी सा ड्रेस पहनना पड़ेगा, मीडिया वाले आएंगे, उन्होंने कहा नो जस्ट तुम्हें पार्वती बनाया हुआ शॉक कि क्या है, तब उन्होंने मुझे बताया इसमें जैसे अभी शिवजी ने कहा है कि हमारे तीन अलग अलग गेटअप है इसमें और अलग अलग स्टोरी में जिस टाइम पे सही टाइम पे सही स्क्रीन पे जिस टाइम पे वो स्टोरी चल रही है उस तरह से उन्होंने मतलब इसको मेंटेन करके रखा है, तो बस मूवी में पता चल जाएगा और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अनुराग जी आपसे जानना चाहेंगे कलाकारों के बारे में, कैसे चयन हुआ और कौन कौन से कलाकार इसमें नजर आने वाले हैं? इसमें काफी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार हैं और अच्छे हैं जिनका नाम प्लीज अभी तक मैं उनका कितनी का भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा क्लून मैडम ने दिया है, बाकी का जब ये स्टार्ट होगा सब चीजें होगी तो सब पब्लिक में तो जरूर मिले। म्यूजिक कब तक ये फिल्म बन रही है या बनेगी या दर्शक देख पाएंगे इस फिल्म को? ये अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी पूरी फिल्म है और जैन में ये पूरा रिलीजिंग का प्लान है। म्यूजिक की अगर बात करें तो इसमें किस तरह का म्यूजिक है, कितने गाने हैं इसमें? सॉन्ग काफी अच्छे हैं और इसमें जो है कि 5 से 7 सॉन्ग हैं एंड लव सॉन्ग है इसमें आपका, एक पार्वती का सॉन्ग और शिव जी के थंडर सॉन्ग है और आपका लाइक पार्टी सॉन्ग इसमें भी है जो हमारा म्यूजिक पूरा कर रहे हैं सुजात साहब जी। क्या कहना चाहेंगे आप?
ये थोड़ा सा ऐसे अरु भाई और इसे डायरेक्टर सेंटर सेंटर वाले सेंटर वाली भाई आप उस साइड चले मैडम आप उस साइड चले आइए राज भाई जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और हीरोइन तो आपके सामने है प्रोड्यूसर भी हैं और हीरोइन ही है और एक्टर ही हैं हमारे फिल्म के और इसमें भाई ने जो गाने के लिए बोला मुझे सब गाने इसमें हैं जैसे आपने हमारी सब फिल्मों में आप जानते ही हो सब हम लोग गाने देते हैं रोमांटिक भी आइटम भी सब इसमें भरपूर है और बाकी और भाई सिचुएशन बताने वाले हैं क्योंकि अभी क्या है ये सब चीज़ बोल के नहीं होती जो गानों का सिचुएशन होती है वो सिचुएशन के टाइम पे बोला जाता है तो गाने बन चुके हैं या बनने वाले हैं अभी गाने बनेंगे और रोमांटिक गाने भी हैं आइटम भी हैं मैडम के ऊपर काफ़ी है और जो अभी सिचुएशन अभी देने वाले हैं और बनेंगे गाने अच्छा तो जब जब इन्होंने आपको कहानी बताई अरुराम जी ने तो आप भाई एक मतलब नाम है ग्लैमर क्वीन और गाने बनाने हैं आपको शंकर पार्वती तो क्या चला जहन में कैसे क्या होता है ना हमारी इतनी हम लोग सब फिल्में करते हैं ना ये सब सिचुएशन के ऊपर होता है पिक्चर ये नहीं है कि भाई ग्लैमर क्वीन है तो हम उसी टाइप के गाने बनाएंगे जो सिचुएशन होती है ना पिक्चर की जो होती है हम लोग सभी आज तक जितने भी गाने किए हैं ना तो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से क्योंकि इसमें सारे रोमांटिक भी है मेल अपना आइटम सॉन्ग है पार्टी सॉन्ग है काफ़ी अच्छा, भाई ने जो पार्वती जी आइटम भी करेंगे नहीं है ये रोमांटिक है अच्छा रोमांस करेंगे रोमांटिक गाने हैं और कैरेक्टर के ऊपर तो माइंड प्रिपेयर हो गया है कि किस तरह का म्यूजिक देना है ये सब इसमें गाने हैं और जैसे कि आप जानते ही हो हम लोग जितने भी गाने आज तक देते हैं ना वो सब अच्छे पार्वती जी को ध्यान में देख के देते हैं जी 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 चलिए चलो आइए भाई नमस्कार मेरा नाम नफे खान है एंड सबसे पहले आप सबका शुक्रिया आप लोग यहाँ आए मुहूर्त है हमारी फिल्म ग्लैमर क्वीन के लिए जिसके प्रोड्यूसर हैं नवीन जी डायरेक्टर अरुराज एंड हमारी हीरोइन गोरी प्रदीप सर हैं सारी टीम है एंड सारे डीओपी एंड एवरीबॉडी इज़ हियर एंड सबका बहुत बहुत शुक्रिया फिल्म बहुत अच्छी है उन फिल्म की कहानी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है कि वुमेन ओरिएंटेड है एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जर्नी है जो आप देखेंगे एंड फिल्म की स्क्रिप्ट तो ज़्यादा बताने के लिए हम लोग को डायरेक्टर साहब ने मना किया है लेकिन फिर भी कहानी बहुत अच्छी है म्यूजिकल फिल्म है शुजात भाई का बहुत अच्छा म्यूजिक है इसमें एंड मेरा किरदार जहाँ तक बात करें तो किरदार अभी तो मैं क्लिप नहीं करूँगा तो जल्दी लेकिन आपके सामने आ जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं बट ओवरऑल यही कहूँगा कि फिल्म बहुत मेहनत से मुशक्कत से अरोजी प्लान किए हैं इनकी डेब्यू फिल्म है एंड सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए और ये फिल्म ऑडियंस तक पहुँचानी आप लोग के बगैर होता नहीं है तो आप लोग ज़रूर इस फिल्म की हर खबर को कवरेज करते रहें यही मैं चाहता हूं और यही चाहता हूं कि आप लोग इसमें दुआ देते रहें फिल्म कंप्लीट हो जल्दी कंप्लीट हो रिस्टार्ट हो के एंड हिट फिल्म और थिएटर तक पहुंचे थोड़ा सा आगे जी पुलिस मेरे तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं डायरेक्टर हीरो पूरी टीम को आज तक शंकर पार्वती आपको आशीर्वाद देती आई हैं आप इतने बड़े प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज आपको इनको आशीर्वाद देने का मौका मिला है तो कैसा लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहेगा टाइटल कुछ अलग है और पार्वती है दिख रहा है तो जरूर कुछ सेट पर आके आपको भी आश्चर्य लगा कि नहीं ये ग्लैमर क्वीन और ये शंकर पार्वती क्या कर रहे हैं नहीं वो तो लगेगा कुछ होएगा नया कॉन्सेप्ट होगा आपको भरोसा है हाँ चलिए थैंक यू सो मच और यहाँ पे मैं इनसे कुछ शुभकामनाएं देने आया हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ा अच्छा काम एक अच्छी फिल्म कर रहे हैं ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आप क्या कहना चाहेंगे मेरा नाम विवेक है और मैं भी डायरेक्शन फील्ड से ही हूँ सबसे पहले तो मैं भाई को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि अच्छी फिल्म के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और एक सक्सेसफुल जर्नी के लिए इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ तो पहले खुद ही बोल लो रोल रोल आइए आप तो चले अपने को अच्छा चलो पहले तुम शुरुआत ही कर लो अपने आप से शुरुआत कर लो जी हाँ जी हाय मैं अश्वनी कुमार और मेरा भाई फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है और मेरा फुल सपोर्ट है अच्छा काम करें क्योंकि जब कोई अच्छा करना चाहता हो तो उसको 100% सपोर्ट करना चाहिए और इसको तो 1000% सपोर्ट है बस माता रानी के पास अच्छा फिल्म बनाए और बहुत अच्छा चले और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप लोग हैं तो
ऑटोमेटिक फिल्में पब्लिक तक पहुंचती है बिकॉज लोग न्यूज़ देखते हैं कैसे आते हैं फिर ऑटोमेटिक फिल्म चलती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और हर जगह पे चलाएं हमारे भाई का फिल्म और बहुत अच्छी फिल्म है, स्टोरी भी बहुत प्यारी है क्योंकि आप फिल्म का नाम देखते हो ग्लैमर क्वीन और शिव और पार्वती, शायद एक अलग ही चीज़ है तो लोगों को पहले तो हिट करती है तो कभी ना चाहते हुए पब्लिक देखिए ग्लैमर क्वीन पार्वती और शिव जी क्या कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा प्यारा है। मतलब फिल्म का हिस्सा बन के सपोर्ट कर रहे हो या बाहर से सपोर्ट? नहीं, नहीं, फिल्म का हिस्सा भी है, हिस्सा है और एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर भी है इस फिल्म में हम, और इस फिल्म में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और हर जब भी होता है मुझे स्टोरी पे बैठना कास्टिंग पे बैठना हर चीज़ों पे तो मैं सबसे पहले इनको डिस्कस करता हूँ इनसे हर चीज़ों के बारे में, मतलब कि क्या होगा कैसे होगा बस अच्छी फिल्म बने इस तरीके से। थैंक यू, बाकी इंडस्ट्री में सारे लोग है ही हैं, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का दुआ दुआ आशीर्वाद प्यार बस। यूपी भाई साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक मिनट, यूपी भाई साहब जरा आइए प्लीज भाई प्लीज, और हमारे कोरियोग्राफर साहब कहाँ गए? दीपक जी कोरियोग्राफर दीपक साहब कहाँ गए? आइए आइए। और मैं आपको दो हमारे अनमोल अंदन है रतन, ये कोरियोग्राफर है क्योंकि पार्वती जी को और शिव जी को टांडव कराने वाले और इसको शूट करने वाले डीओपी हमारे सर है, तो इनसे आप लोग बातचीत कीजिए। डीओपी सर पहली बार तो आप आज तक आप कैमरे में लोगों को कैद करते रहे हैं, आज आप कैमरे में कैद हो रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि ये हम करते हैं, हम कैमरा के पीछे और कैमरा के कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है, जैसे पीछे है वैसे आगे है। आज मुहूर्त हुआ ग्लैमर क्वीन का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पार्ट बनने हैं आप? इसका थैंक्स मैं अरुराज सर को कहना चाहता हूँ, इनके थ्रू हुआ है ये, जो भी है हमारे मेन टीम हेड है सब इनके हमारे टीम है बुरा, और ये हमारे साहब हैं जो इस फिल्म में एज ए कोरियोग्राफर नजर आ रहे हैं और सबको कोरियोग्राफर जी कैसे नचाएंगे पार्वती को, क्या करवाएंगे, रैप करवाएंगे और जैसा सॉन्ग रहेगा उस टाइप से कंपोज करेंगे उनके हिसाब से, और ये भी देखना है मुझे ज़्यादा ग्लैमर भी ना हो और ज़्यादा, ये आपके लिए चैलेंज भी होगा? हाँ चैलेंज भी है बिकॉज क्योंकि एक तो दिखाना है अपना ग्लैमर लेके चलना है और सेकंड दिखाना है उनको तांडव भी दिखाना है, मुझे दोनों को मिशन ऐसा रखना कि ज़्यादा वो आउट ऑफ ना जाए, लोगों को ये ना लगे कि हाँ पार्वती कैसे नाचेंगे, ये सब चीज़ें देखें बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कहानी डिफरेंट है और अलग है, तो थोड़ा लोग डांस भी देखेंगे तो सोच के देखेंगे ग्लैमर क्वीन तो क्या आएगा, तो सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सब चीज़ म्यूजिक के अनुसार संभालना पड़ेगा, चैलेंजिंग में तो मजा है। थैंक यू, परिचय दे और एकदम दमदार आवाज में बात करें, जोर से खुश होकर बात करें, किस प्रकार की फिल्म है, राइटर आप हैं इस फिल्म के, और कैसे आपके जहन में आया कि ग्लैमर क्वीन कहानी लिखी जाए उसमें शंकर और पार्वती का तड़का डाला जाए, कैसे जहन में आया? मेरा नाम मनीष चौधरी है, मैं एज अ राइटर ये फिल्म कर रहा हूँ, और ग्लैमर क्वीन हमें कुछ अलग नाम चाहिए था जो हमारी फिल्म को डिफाइन ना कर सके पूरी तरह और लोगों को कुछ अलग उसमें इंटरेस्टिंग लगे जो लोगों को थिएटर तक खींच के लेके जाए, तो इसलिए हमने ऐसा नाम रखा। और जिस तरह तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होता है और महिलाओं का सहारा सिर्फ भगवान होता है उस टाइम, लोग ये सोचते हैं कि भगवान किसी तरह आकर आशीर्वाद दे और मुझे इस पीड़ा से मुक्त कराए, तो इसलिए इन्होंने वैसा ही गेटअप इस समय धारण किया हुआ है, तो इसी से रिलेटेड मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। परिचय जानना चाहेंगे और ग्लैमर क्वीन फिल्म आज मुहूर्त हुई है उसमें आप शिरकत किए हैं और किस प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म को और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? जी हमारे, मेरा नाम है राजू चौधरी और हमारे मित्र हैं नवीन पटेल, वो सूरत से हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो भी रहेगा मैं हेल्प करूँगा। ओके, किस प्रकार से हेल्प करेंगे? फाइनेंशियली पैसा लगाएंगे जी। पार्वती जी पे आपको भरोसा है? भरोसा। शंकर जी पे? सब पे, शंकर पे भरोसा है, पैसा दिल खोल के लगाएंगे। खोल के लगाएंगे सर। यू विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।